हर उस नेता का दुश्मन है जो मुसलमान को सपोर्ट करता है। भाजपा से क्या करोगे? भाजपा तो सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है इस टाइम मुसलमान का। हिंदू का कोई बड़ा नेता मरे अभी तक कस्टडी में पुलिस में, मुसलमान के बड़े नेता क्यों मरते हैं कस्टडी में? राहुल गांधी हमारे लिए बोल रहे हैं और आपके लिए भी, सबके लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये बात नहीं कि एक तरफ के लिए मुसलमान के लिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी जैनमन बात कर रहे हैं, वो सबके लिए चल रहे हैं कि सबको साथ में लेके चलें और सबकी जो इतनी परेशानी है वो ख़त्म करें। बेरोजगारी की बातें हो नहीं रही, काम की बात हो नहीं रही है, युवा बेचारे भटक रहे हैं रोडों पर, क्या है आप खुद देख रही हो? इसमें नुकसान होता है, परेशानी होती है, गड्ढे भर दिए दुनिया भर के, आधे सड़क बना दी, आधे सड़क नहीं बनी भी, क्या कर रहे हैं आप? मनता घर में एसी में सो रहा है मस्ती से, क्या कर क्या काम है? ईशा आशीष राख थे बुरे शक, उन्होंने लगाया ट्रांसफार्मर ऊपर लगवाया, एक लाख का ऊपर लगवाया उन्होंने मोहली मोहब्बत से, ये लगवाया ड्राइवर बनवाया उन्होंने बनवाया, क्या करना है ये अब्दुलरहमान क्या करना है? सड़क नहीं बन रही, गड्ढे के उड़ाल हो गए गड्ढों की, क्या करेगा इंसान? ये जो गड्ढे वगैरह ये कूड़ा वगैरह एमसीडी आती है, एमसीडी का टाइम क्या है मैडम? आपको तो नाली जो भर जाए, कुछ तो टाइम होता होगा, कुछ तो टाइम होता होगा कूड़े उठाने का। सुबह का कितने बजे का? 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे, वो आते हैं 12 बजे, रात को पी ली, सुबह सो गए, आ रहे 12 बजे, जाम लग गया, यहाँ पे जाम लगवा दिया, अब वो आ रहे कह रहे रुक जाओ, अब हम पहले कूड़े उठाएंगे हम, मतलब अपने समय पे नहीं आते हैं, 100 के टनों के पड़ जाते हैं, पड़ गए और फिर आते हैं 12 बजे, फिर लग गया यहाँ पे लगे जाम, यहाँ लगे जाम। आपको लगता है ये एमसीडी केजरीवाल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, केजरीवाल तो नंबर 1 है। हाँ। नंबर 1 आदमी केजरीवाल जिम्मेदार है, लेकिन इस चीज के लिए जी बिल्कुल ना टाइम पे आती, ना टाइम पे नहीं आती, पी के आती है जी, बहसबाजी भी करती है। हाँ, बहसबाजी करती है, तेली खड़ी कर देने गाड़ी, अबे सीधी कर ले गाड़ी, गाड़ी को सीधी खड़ी कर, हम भी निकल जाए, परेशानी ना हो किसी को, मगर नहीं हमारे तो हम तो तेली खड़ी करेंगे, करो तेली खड़ी करो। तो मैडम जाम लगता है, हम भी परेशान हो गए, गड्ढे देख रहे हैं आप, गड्ढे कितने, आपने देखा होगा, ये बारिश होती होगी तो पानी कितना भरता है, कितना यहाँ यहाँ तक का पानी आता है, गाड़ी पूरी डूब जाती है, गाड़ी चलानी बंद हो जाती है हमारी, क्या करेंगे मैडम? इनको बताओ ये सड़कें इसे बनवाओ, या तो उधेड़ दो पूरी, या तो बनवा दो, खत्म करो मतलब को, उधेड़ के चलेगा, उधेड़ के चलेगा, कभी इधर से काट दिया, उधर से काट दिया, इतने गहरे गहरे गड्ढे हुए हैं, मतलब कहीं भी तोड़ तोड़ के चले जाएंगे। हाँ, बनाएंगे नहीं, और फिर उसको बनाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, हाँ बनाएंगे नहीं। ये हमारी सरकार मोदी सरकार नहीं, ये मोदी, हाँ ये मोदी सरकार, ये सरकार तो मोदी की है, राज्य में तो दिल्ली सरकार का है, राज्य की छोड़ो, प्रधानमंत्री तो कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सब आप ये बता रहे हैं ना, हाँ, जैसे रोड का हो गया, ये नालियों का हो गया, ये ना केंद्र सरकार में एमसीडी के अंदर आता है। कौन कट रहा है? कोई नहीं आ रहा, एमसीडी देखिए कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आता, सोते रहते हैं पड़े हुए, सो रहे हैं, रात को आएंगे, दोपहर को आएंगे 12 बजे कूड़ा उठाने, सुबह का काम है कूड़ा उठाने का, आते हैं 12 बजे, यहाँ लगे थे जाम, दुनिया में देखो ये देखिए आप, हाँ, ये देखिए जाम, लग गया ना जाम, बेटा इधर हो, ये देखिए जाम, क्या लग गया ना जाम, मेरा जाम लगा हुआ है, इतना कूड़ा है, इतनी गंदगी है और इतनी बीमारी फैलती जा रही है यहाँ पर, ये कुछ कह नहीं सकते, इतनी बीमारियाँ हैं यहाँ पर, और आगे नूरी लाई पे आप जाओगे पूरा गड्ढा वड्ढा खुदा पड़ा है, इतना रोड खराब हो रहा, सारा का सारा रोड खराब हो रहा है, रात को भी कल या परसों रात में वहाँ एक्सीडेंट भी हुआ, एक ट्रक है ना पलट गया है, इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतना मुश्किल हो रही है, बिल्कुल मामला ख़राब हो रहा है केजरीवाल के जाने से। जो केजरीवाल जी के जब थे ना सरकार, उनकी जब थे वो बाहर तो बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर अब बिल्कुल स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है मैम। अब क्या है ना ही बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं मैम, इतना आता है बिजली का बिल आपका? बिजली का बिल आ रहा है मैम कम से कम 2-2, 2.5-3 हज़ार रुपये का बिल आ रहे हैं, जो बिल आ रहे थे ना 200 रुपये के, 250 रुपये के बिल आ रहे थे जीरो पे, बिल्कुल कोई वही नहीं आ रहे, बिल्कुल बढ़िया चल रहा था कारोबार, इतने ठप हो गए केजरीवाल जी के जाने के बाद, बिल्कुल स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है। अब जब तक कोई सरकार नहीं जब तक बनती है, जब तक है ना केजरीवाल की सरकार, जब तक नहीं केजरीवाल जी बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक बिल्कुल बिगाड़ बिल्कुल और कहानी खराब होती जाएगी स्थिति। वो तो ये बोलते हैं केजरीवाल ने दारू फ्री करा दी, तब नहीं जनता का सोचा? नहीं मैम, दारू पे रोक भी तो लगाई थी। क्या रोक लगाई? लॉकडाउन के समय पे एक पे एक दारू फ्री, भाजपा बोलती है इससे घर में लड़ाई हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं उनके घर में। हाँ ये तो है, इससे क्या, ये तो गलत हुआ है, और काम और भी अच्छे हुए हैं, गलत किए हैं तो कुछ सही भी है, और हर सरकार ऐसा ही करती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंसारी। क्या लग रहा है केजरीवाल जी की जो
अब वो बोल रहे हैं कि शुगर उनकी नीचे जा रही है। भाजपा कहती है कि वो अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं और इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि जेल से बाहर आ पाए, जानबूझ के मेडिसिन। हर उस नेता का दुश्मन है जो मुसलमान को सपोर्ट करता। भाजपा से क्या करोगे, भाजपा तो सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है इस टाइम मुसलमान का। अच्छा हाँ, तो केजरीवाल जी सिर्फ मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, हिंदू क्रिश्चियन से किसी का नहीं करते? नहीं, तो भाजपा को तो ऐसा लग रहा है केजरीवाल हमें सपोर्ट करते हैं। मतलब सिर्फ भाजपा ऐसे ही मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं? अखिलेश हमें सपोर्ट करता तो अखिलेश हमें सपोर्ट करता है। अगर अखिलेश अखिलेश के भी सबसे बड़े दुश्मन है। हाँ। कोई बड़ा नेता भी मरा पुलिस कस्टडी में? मतलब हिंदू का कोई बड़ा नेता मरे अभी तक कस्टडी में पुलिस में? मुसलमान के बड़े नेता क्यों मरते हैं कस्टडी में? जैसे जैसा तीक मर गए, अफजाल मर गए, ये क्यों मरते हैं? मुसलमान ही क्यों मरते हैं पुलिस कस्टडी में? हिंदू नेता क्यों नहीं मरता? वो ये कहते हैं भाजपा का ऐसा कहना है कि गलत करेंगे तो फिर गलत। तो भाजपा के लिए बस मुसलमान ही गलत करता, हिंदू गलत नहीं करता? कि मतलब भाजपा अभी इन्होंने जो गलत कर रहे हैं, जो हिंदू को गलत नहीं करता भाजपा की नजरों में। अभी जो प्रज्वल रिवेना है हिंदू थे, मोदी जी ने उनका प्रचार प्रसार करा जो कि गलत था, क्योंकि आपने सुना होगा कि उसने काफी महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, उनकी वीडियो भी बनाई है। अभी मैम कांवड़ियों का रस चल रहा था। हाँ, कहीं नेम प्लेट वाला मुद्दा? जी जी, नहीं नहीं, वो नहीं, रास्ते में अभी कहीं मुरादाबाद कहीं ऐसा हुआ। हाँ, कांवड़ियों की लड़ाई हुई, जो में भी हुआ ये। जो मैट सुन तो लो, जो जोमैटो वालों से लड़ाई हुई या स्विगी वालों से? सही नहीं, जो जो उनसे हुई है तो जोमैटो वाले से हुई ना स्विगी वाले से हुई। उन्होंने कांवड़ियों पर दबा के बजाया, पुलिस ने फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, उनके नाम दर्ज रिपोर्ट कर दी। अब कांवड़िए जो दुनिया पर बजाते फिर रहे हैं उनके नाम कंप्लेंट क्यों नहीं होती? मतलब कांवड़ियों लोग भी, कांवड़िए भी तो मारते हैं ना लोगों को, ऐसा तो है नहीं कांवड़िए हर जगह पिटता। ये एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये तो हिंदू मुस्लिम का भाजपा वालों ने बना रखा मुद्दा, उन्होंने बना रखा, बहुत ज़्यादा मुद्दा बना रखा, समझ रहे हो नहीं? अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने जमेटो वालों ने जवाब बजाया तो उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी पूरे उस पे कंपनी पे जो थी, उन पे तो हो गई। अब कांवड़िया दुनिया भर का लोगों को पीटते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं होती कंप्लेंट कहीं भी? पुलिस प्रशासन उनका साथ देता है? ये जो पीछे पीछे आइएगा, जो पीछे पीछे भी कांवड़िया सावन का चल रहा था त्योहार, उसमें जो यूपी में रूल लाया गया कि नेम प्लेट सार्वजनिक करनी पड़ेगी, चाहे कोई रेडी वाला फल बेच रहा हो, चाहे होटल या कुछ भी। जी जी, आप सहमत हैं उस बात से? मैडम बिल्कुल ये गलत है, ये भाईचारा खत्म करने वाली बात है। भक्ति जो होती है वो कोई जो है मतलब ऊंच नीच नहीं सिखाती है, भक्ति जो है अपनापन सिखाती है, प्यार सिखाती है। इसमें जो है भाईचारा खत्म हो रहा था कि जो है मतलब मुसलमान की जो है अपनी प्लेट लगाओ और जो है हिंदू जो है अपनी प्लेट लगाओ, मगर भक्ति कोई होती है या कोई भी भक्ति हो, मुसलमान की हो या हिंदू की हो, वो भाईचारा सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है, ये मोहब्बत खत्म करना चाह रहे हैं। तो फिर भाजपा बोलती है कि अगर कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है सिख है, उसको अपना नाम सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? वो अपने नेम प्लेट पे क्यों नहीं लिखता मुस्कान होटल या अंसारी होटल? अगर सत्य है तो डंके की चोट पे लिख के बोले वो। भाजपा कहती है देश के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री, एक मिनट मैडम, या तो ये एक मिनट, या तो ये डेमोक्रेसी खत्म कर दो, यहाँ पे देश में जो है खाली हिंदू हिंदू रहे या खाली जो है सिख सिख रहे या चाहे खाली मुसलमान रहे, तो हिंदू राष्ट्र होने में ये सारा जो है मामला जो है जब सब मिलजुल के रह रहे हैं, सब मिलजुल के जो है एक दूसरे का खाते हैं, नहीं नहीं सब जब एक दूसरे का खाते हैं, एक दूसरे से बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या परेशानी है? मतलब ये सार्वजनिक क्यों करो? ये आज तक कभी हुआ है? ये गांधी जी ने करा है कभी? ये आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई भी चीज नहीं लेकर आए जिससे इंडिया के अंदर जितने भी रहने वाले हैं ये तो तोड़ने वाली बात है, उनके अंदर नाइतिकफाकी पैदा हो, बस ये भागों में बांटने वाली बात है मैडम, ये भागों में बांटने वाली बात है कि हिंदू हिंदू से सामान ले, मुसलमान मुसलमान से सामान ले, ये तो भागों में बांटने वाली बात है। जाति जनगणना होनी चाहिए, होना चाहिए जी। हाँ, होना चाहिए। जाति हर धर्म में होती है, हर जाति के लोग हर धर्म में होते हैं, वो जाति जनगणना होना सही है? आप जाति जनगणना से सहमत हैं कि देश में जाति जनगणना? जाति जनगणना होगी तो हमारे तो सबसे पीछे हो जाएगी, इसमें तो हिंदू जाते हैं तो हिंदू होगा। अगर राहुल गांधी जी ने बोला है संसद में, फायदा क्या इसका? राहुल गांधी जी ने बोला है जीत नहीं मिली तो हम क्यों कहेंगे जाति जनगणना करो? हाँ, तो ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया संसद में कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा। वो क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को तो सब सपोर्ट करते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। राहुल गांधी खाली जो मुसलमानों के नहीं है, वो हिंदू भाइयों के भी हैं, समझ रहे हो? वो सबके नेता हैं, वो सिर्फ माइनॉरिटी है, वो सबके हैं।
वो कावड़ियों के भी हैं, वो हाजियों के भी हैं, सबके हैं वो, ठीक है ना। जाति गणना में कोई बुराई नहीं है, समझ रहे हो नहीं, मगर जो है निपेक्षता जो है, मतलब जो है जो जो करेगी उस पर जो है हमारा सवाल है कि हमारे को जो है बिल्कुल जो है क्लियर मामला नहीं मिलेगा, मतलब उसके रिजल्ट पे हमें जो है फ़र्क है। रिजल्ट हाँ, केंद्र सरकार जो है करवाएगी तो उसके रिजल्ट में फ़र्क आएगा। अगर ये बताइए, अनुराग ठाकुर नाम सुना होगा अपने पास, जी हाँ मैं जानता हूँ, सब जानते हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बताइए जी। उन्होंने जब राहुल गांधी ने बात रखी सिंध की, हमें जाति जनगणना कराना चाहते हैं, तो उन्हें बोला जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना क्या कराएगा, आप नहीं जानते, और वो बोल रहे हैं मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये जाति इंदर लोक में नमाजी पर लाते मारी गई, इंदर लोक में नमाजी पर लाते मारी गई सबको पता, और कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे प्रशासन, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि ये इस टाइम देश में मुद्दा ये चीज का नहीं है। आप भी जानते हो देश के मुद्दे हैं क्या इस टाइम, गरीबी भी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे मेन पॉइंट बात करिए उस पे। आइए, सबसे पहले ये देखा है मोदी सरकार, ये देखे कि हमारे जो युवा हैं जो पढ़ लिख के हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए संसद में बात क्यों नहीं उठाते हैं मोदी। दूसरी बात है महंगाई, एक आदमी 6,000 रुपए बैंक में बांट दूंगी यहाँ से, मैं फिर हटवा दूंगी, बैठे रहो यार साइड में, खड़े रहो। संसद में हम रोज देखते हैं, डेली देखते हैं न्यूज, संसद की जो बहस हो रही है संसद के अंदर, जो आप भी आपका ये मानना है कि इस टाइम जो हमारी जो बेरोजगारी है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इस टाइम नीचे, पायदान पे आपको पता सबसे ज्यादा नीचे है इस टाइम, हर आदमी बेरोजगार है, युवा रोज की रोजी रोटी मांग रहा है अपना, ठीक है। आप भी मानते हो यही मुद्दा होना चाहिए संसद में हमारे लिए, हम लोग चुन के क्यों भेजते नेताओं को कि हमारे हक के लिए बात करें। ये जो इस टाइम बात चल रही है जाति गणना की, ये बात इस टाइम नहीं उठनी चाहिए, पहले हमें देश में, हाँ राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन देश में पहले हमारे जो हालात हैं सरकार उस पर काम करे, सबसे पहले फर्ज बनता सरकार का कि अब हमने इसको मौका दिया है सरकार को। 23 को जो बजट पास हुआ था, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पास करा था, उन्होंने ये बोला है कि हमने 1 करोड़ इंटर्नशिप युवाओं के लिए निकाली थी, और भाजपा ये बोलती है कि अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी तो नौकरी करेगा, किसी अनपढ़ को कैसे दे। देखो हिंदुस्तान में सारे पढ़े लिखे नहीं है, आपको भी पता कि सारे पढ़े लिखे नहीं है, और ना किसी बात की गुंजाइश है कि पढ़ाया जाए बच्चों को, ऐसे 6,000 रुपये 7,000 रुपये पर कहीं बाप नौकरी कर रहा है तो बच्चों को अपने कैसे पढ़ा देगा, आप बताइए, खुद सोचिए। एजुकेशन इतनी हाई फाई, अगर नौकरी के लिए एजुकेशन हाई फाई चाहिए हमारे लिए, क्या कमी है कि अभी जब मैनिफेस्टो लोकसभा के चुनाव निकाला था वो देखा मैंने, तीन मुद्दों पे बात कहीं जिक्र नहीं था, ना बेरोजगारी ना महंगाई और ये आपका गरीबी, इसको तो बिल्कुल हटा देती सरकार। और राहुल गांधी इसे बोलते हैं कि संसद में हमारे इन तीन मुद्दों पे जवाब देना भाजपा अपनी तौहीन समझती है। नहीं देखो, राहुल गांधी हमारे लिए बोल रहे हैं और आपके लिए भी, सबके लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये बात नहीं कि एक तरफ के लिए मुसलमान के लिए बोल रहे हैं, राहुल गांधी जैनमन बात कर रहे हैं कि वो सबके लिए चल रहे हैं कि सबको साथ में लेके चलें और सबकी जो इतनी परेशानियां वो खत्म करें, उनको जो ये लोग पप्पू के नाम से बुलाते हैं, तो वो राजनीति मामला है। देखो वो राजनीति में क्या कर रहे हैं संसद में, क्या उनकी भाग शायद मर्यादा सीमा, इस टाइम तो सीमाएं लांघी जा रही हैं संसद के अंदर बैठ के, आप खुद देख रही हो न्यूज क्या क्या शब्द बोले जा रहे हैं, ये बोलना नहीं चाहिए कभी भी संसद के अंदर। आप शब्द पे शब्द पे कर, दोनों पार्टी की तरफ से ये हो रहा है, कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, एक का तो कोई भी नहीं कर सकते, अगर हम गलत बोलेंगे तो सामने वाला भी हमसे गलत बोलेगा, अगर सही हम बोलेंगे तो सामने वाला ही सही बोलेगा। मैं बस बोल रही कोई एक पार्टी तो नहीं कर रही है। मैडम जो मुद्दा है हमारा इस टाइम बेरोजगारी का है देश के अंदर, ये मुद्दे वाली बात नहीं है कि हमारी संसद में कौन सा बिल पास हो रहा है, जो हमारा बिल जो है ये हमारे इस टाइम जो है बेरोजगारी है, इसके ऊपर ध्यान दे सरकार, बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अमीरों की सरकार है क्या भाजपा? नहीं नहीं, इस बात इसको कोई कहने के लिए, इसमें अमीरी का कहीं कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं सरकार तो सबकी होती है, सब लोग चुन के भेजते हैं सरकार, पार्लियामेंट के अंदर सब लोग चुन के भेजते हैं, अमीरों की नहीं होती, ये तो बात बात नहीं। सरकार को पता है हमारा मुद्दा क्या है, सरकार को अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी भी पता है कि हमें किस काम पर काम कैसे करना चाहिए, सरकार नहीं कर रही है इस टाइम। रोजगार हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, रोजगार नहीं लोगों के पास में। आपको लगता है जो विधानसभा के चुनाव आएंगे दिल्ली में हम लोग उठाएंगे इस मुद्दे को ना, यहाँ की जो पार्टी कुछ कर पाएगी? नहीं नहीं कुछ नहीं करेगी, लेकिन हमें मुद्दे उठाने हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करेगी हमारी पार्टी, अभी कुछ नहीं कर रही है, अभी तो देखो आप किसी परेशानी में पड़ी हुई है आम आदमी पार्टी, किस परेशानी में डाल रखा आम आदमी, बहुत करती बहुत कुछ करती, लेकिन क्या है सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया, उसका करने नहीं दे रहा है उसको ना, एलजी साहब हमारे करने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे कुछ भी, एलजी साहब नहीं करने दे रहे, अगर कुछ बेचारे लेके भी आ जाते हैं वहाँ से तो एलजी साहब रोक लगा देते हैं उसके अंदर, खुद देखिए आप लोग। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पार्टी अच्छी लेकिन एलजी ने रोक लगा रखी है? अभी भाई एलजी किसके हैं यहाँ पे, नरेंद्र मोदी के ही एलजी हैं साहब यहाँ पे, तो अब संसद के अंदर जो चीज़ नहीं हो रही है वो एलजी क्या बेचारे कर पाएंगे, वो सोचो संसद में राहुल गांधी लड़ रहे हैं रात दिन इस बात को लेके, जब संसद में भी कोई काम नहीं हो पा रहा तो एक छोटा सा वो है यार विधानसभा को आप लेके चल रही हो, क्या अभी वहाँ पर नहीं हो रहा संसद में कोई बात, बेरोजगारी की बात हो नहीं रही, काम की बात हो नहीं रही है, युवा बेचारे भटक रहे हैं रोडों पर, क्या है आप खुद देख रही हो। चलिए यहाँ पे जो हमने लोगों से बात करी उनकी जो राय और प्रतिक्रिया निकल कर आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे कैसी चर्चा विषय के साथ, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी का सबके साथ।